आई थी बॉलीवुड के दबंग खान सलमान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। शायद यही वजह है कि रिलीज के 2 साल बाद अब ये फिल्म चाइना में रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, हाल ही में खबर आई है कि ये फिल्म जल्द ही चाइना में रिलीज होगी। हालांकि मजेदार बात ये है कि ये फिल्म ऐसे नाम के साथ वहाँ रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम सुनकर एक बार हंसी छूट ही जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या नाम है इस फिल्म का चाइना में, तो आपको बता दें इस फिल्म का नाम रखा गया है लिटिल लोलिटा मंकी गॉड अंकल। जानकारी के मुताबिक चाइना ने अपने यहाँ रिलीज के लिए फिल्म को 140 मिनट रनिंग टाइम के साथ पास कर दिया है और वहाँ की वेबसाइट डॉबन ने फिल्म को 8.6 रेटिंग दी है। आपको बता दें कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान के साथ लीड एक्ट्रेस करीना कपूर थी। इस फिल्म में मुन्नी नाम की छोटी बच्ची का भी अहम रोल था, जिसे हर्षाली मल्होत्रा ने निभाया था। सलमान खान की इस फिल्म में 320 करोड़ का बिजनेस इंडिया में किया था। वैसे चीन में दंगल की जबरदस्त सफलता के बाद सलमान की फिल्म को भी चीनी भाषा में डब कर रिलीज किया जा रहा है। आपको बता दें कि दंगल ने चीन में 1200 करोड़ की कमाई की थी। अब देखना ये होगा कि बजरंगी भाईजान चाइना में कितने करोड़ का बिजनेस कर पाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।